गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपिका खरे। वंस अगेन आई वेलकम यू इन माय चैनल एब्सोल्यूट मेंटर। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एब्सोल्यूट मेंटर में। आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग फर्स्ट डे में हम कैसे इंग्लिश बोलें ये सिखाऊंगी, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड दिस वन इज़ अवर फर्स्ट डे, सो मैं आपको इसमें सिखाऊंगी कि फर्स्ट डे में इंग्लिश कैसे बोली जा सकती है। एक्चुअली हम इंग्लिश को जो जैसा समझते हैं ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आएगी, हम बोल नहीं पाएंगे, और कई बार हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारे अंदर से ये हेजिटेशन निकालनी है और इंग्लिश बोलना सीखना है परफेक्टली। और परफेक्टली बोलना सीखने के लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कहीं पर भी हों तो हमको दूसरों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करना है, हेजिटेट नहीं होना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम हेजिटेट हो रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस अकेले में कीजिए और फिर उन वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। एक्चुअली होता यह है कि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। आप कितना भी इंग्लिश लिख लीजिए, आप कितना भी उसके वर्ड मीनिंग सीख लीजिए, आप कितना भी उसको सुन लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात, भाषा जो है वो हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है ना। लैंग्वेज इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन और हम उससे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है फीलिंग। क्यों, आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, फेसबुक यूज़ नहीं करते, आप अपने अदर मोड्स यूज़ नहीं करते, करते हैं। और उन मोड्स में आप क्या करते हैं कि आप अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और जो आपसे बनता है आप लिख देते हैं। सामने वाले को समझ में आना ज़रूरी होता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या लिखना चाह रहे हैं। अगर आप गलत भी लिखते हैं तो वहाँ पर आपको कोई नहीं बोलता ये स्पेलिंग तुमने गलत लिखी है। सेम कंडीशन इंग्लिश स्पीकिंग में होती है। क्यों हम ये सोचने में पड़ जाते हैं कि हमने ये चीज़ यहाँ पर गलत बोली। बोलिए तो, जब आप बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। जब बोलना शुरू करेंगे कुछ गलतियां होंगी लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। पहला दिन है इसलिए आज सिर्फ 10 वर्ब लेके ही हम बात करते हैं। उन 10 वर्ब का यूज़ हमको अपनी डेली लाइफ में करना है और परफेक्टली करना है, अपने मदर फादर के साथ में, नेबर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करेंगे तब हम उस लैंग्वेज को बड़े रूप में बोल पाएंगे। और छोटे छोटे वर्ड्स से ही स्टार्ट करेंगे तब हम सेंटेंसेस तक पहुंचेंगे। ओके, फर्स्ट गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना। कम, आना। डांस, नाचना। ईट, खाना। ड्रिंक, पीना। टेक, लेना। गिव, देना। कीप, रखना। लाफ, हंसना। क्राई, रोना। अब इन वर्ड्स का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी का भी नाम लेना है, आपके पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, नेबर्स का, जिसका भी नाम आपको आता है उनको नाम लेके। वैसे तो आप जब घर में इन सब चीज़ों को यूज़ करें तो अपने साथ में मम्मा पापा या जो भी हैं उनका नाम लेके इन बातों को करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, नेबर्स के साथ में इन बातों को करें। लेकिन अभी अकेले में हैं अगर आप और आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। राधा गो, सीमा कम, मोहन डांस, रानी ईट, पूजा ड्रिंक, शिल्पी की टेक, राधा गिव, निक्की कीप, पिट्टू लाफ, शिवम क्राई। इस तरीके से हम इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। वंस अगेन वी डू इट इन प्रैक्टिस। सोनू गो, सोनल कम, सृष्टि डांस, राधा ईट, सीमा ड्रिंक, पूजा टेक, मानसी गिव, शिवम कीप, श्रेयांस लाफ, बबलू क्राई। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हम इस तरीके से इसको कंटिन्यूसली बोलते जाएंगे और बोलते बोलते इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम इस सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई काम हो रहा है या हम काम कर रहे हैं तो हम इन वर्ड्स को बोलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।